बस्तर में चुनाव प्रचार चरम पर इस वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा यहाँ पर हुई है और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जो इसकी कमान संभाल रहे थे अब बेहद रिलैक्स फील कर रहे हैं। उनके साथ हम सफर पर चलेंगे। किस प्रकार का चुनाव प्रचार हो रहा है बस्तर में, कैसे वो देख रहे हैं, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। किरण जी, पीएम की सभा हुई, काफ़ी ज़ोर शोर से आप लोग लगे थे, क्या मानते हैं? अभूतपूर्व सभा, ये बहुत ही सफल थी ये सभा हमारे पूरे बस्तर संभाग के और कांकेर लोकसभा और बस्तर लोकसभा के दोनों क्षेत्रों से दूर दराज, इवन बीजापुर से लेकर भोपालपट्टनम और कोंटा से लेकर हम शुरू करें तो कांकेर लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अभूतपूर्व उत्साह का संचार हुआ है। निश्चित रूप से प्राण प्राण के साथ भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ से जिताने का संकल्प लेकर सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनकी लोकप्रियता सर्वाधिक है पूरे विश्व में। सभा पिछली बार आप लोगों के पास नहीं थी, अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, जगदलपुर के विधायक भी हैं, किस तरीके की चुनौती मान रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, पहले भी कहा है मैंने कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि हमारे और अपने कार्यक्रमों को लेकर और नीचे तक बूथ लेवल तक हमारे कार्यक्रमों को ले जाकर कर रहे हैं। करीब ये 2 महीना से ये काम चल रहा है हमारा। हमारे प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले हुई है, हमारे कार्यक्रम बहुत पहले चालू हो गए। हमारे मुख्यमंत्री जी सहित सभी, मुझ सहित सभी वरिष्ठ मंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का, सभी का और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा वाइज हमारे सभाएं, जनसभाएं करीब आधे से ज़्यादा हो चुकी हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे 90 विधानसभा के हमारे समाप्त हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीट को जीतने के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। चलिए, तो हम लगातार बात करते रहेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव लगातार सफर कर रहे हैं, चुनावी सफर। किरण जी, हमने इस चुनावी सफर के दौरान कई आपके नज़दीकी या जगदलपुर के लोगों के मुंह से सुना केडी का दौरा है, केडी आ रहे हैं। ये केडी कहाँ से नाम पड़ गया? ये कॉलेज के समय था, शॉर्ट फॉर्म था, किरण देव का केडी बना दिया। आई वॉज क्रिकेटर ऑल्सो, तो मैं क्रिकेट में काफी दूर तक खेलने का कारण से प्रचलित नाम पड़ जाता है। और स्टूडेंट लाइफ में छात्र राजनीति में अध्यक्ष भी रहा कॉलेज, पीजी कॉलेज का, तो छात्र राजनीति के कारण वो एक शॉर्ट प्रेम से लोग किरण देव को शॉर्ट फॉर्म केडी कहना चालू कर दिए, वही नाम प्रचलित हो गया है बस्तर में। बस्तर में बीजेपी की जड़ें बहुत मजबूत नहीं थी पहले शुरुआती दिनों में, धीरे धीरे बीजेपी का खाता यहाँ पर खुला। बीजेपी में आने की आपने कब सोची, कैसे ये माहौल बना कि आप बीजेपी में आए? नहीं, मैं प्रारंभ से ही विचारों से मैं अभिभूत था। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय अमरदेव जी बीजेपी में विभिन्न दायित्वों में भी रहे और बस्तर में अच्छा नाम था उनका। मानस बना ही परिवार का पृष्ठभूमि ही भारतीय जनता पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आत्मसात करके राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना जो है, देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, और इस भावना ने मुझे प्रेरित किया कि राजनीति में आके सेवा के माध्यम से किस तरीके से हम जनता को लाभ दिला सकते हैं, उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में और हमारे आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित ऐसे कई वरिष्ठ नेता हमारे हैं जो मेरे प्रेरणा के सूत्र बने और मैंने उनके अनुपालन में भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही काम करना चालू किया। पहले महापौर, फिर विधायक, जिला अध्यक्ष, कई पदों पर रहे और अब प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष जब आप बने तो मुझे याद है कि बहुत सारे नाम चर्चा में चल रहे थे, आपका नाम कहीं चर्चा में नहीं था, शायद मंत्री बनेंगे ऐसा कोई सोच रहे थे। कैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला, कैसे खबर मिली? राष्ट्रीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी का, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं इस मामले में धन्यवाद भी ज्ञापित कर चुका हूँ, फिर पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित है कि उन्होंने बस्तर से एक मुझ जैसे कार्यकर्ता को इस दायित्व के योग्य समझा। और कार्यकर्ता का भाव है और हमेशा रहेगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना, पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना, ये मेरा उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार भारतीय जनता पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, अनुशासन का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की जो योजना है कल्याणकारी योजना का, वो जन जन तक पहुँचे, उसका लाभ पहुँचे,
और इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, शुरू से ही काम कर रहे थे। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, सभी का सहयोग मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है, हम एक परिवार के रूप में है और बहुत बड़ा परिवार है। मंच पर हम देख रहे थे प्रधानमंत्री आपके साथ बात करते, बड़े खिलखिला कर हंस रहे थे, क्या कुछ खास चर्चा हुई? नहीं, विशेष तो नहीं, लेकिन इतना है कि सभा और ऐसे क्षेत्र में और अभूतपूर्व सफलता पूर्वक सभा के संबंध में ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। जितनी बार 10 सालों में प्रधानमंत्री बनने के बाद और उसके पहले भी जब प्रभारी की दृष्टि से थे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका लगातार आना होता रहा है। इससे ज्यादा आज तक कोई प्रधानमंत्री जी का आगमन बस्तर में और छत्तीसगढ़ में तो नहीं हुआ है। विशेषकर बस्तर से, बस्तर वासियों से उनका बहुत लगाव है। इसी संबंध में हल्की सी बातचीत चर्चा हो रही थी और लोगों का भी काफी प्यार आपका मिल रहा है, आपको मिलता है। हम देख रहे थे मंच पर भी काफी, जब आप भारत माता की जय बोल रहे थे तो पूरे कार्यकर्ता जोश में आ रहे थे। ऐसे जोश आप भरते हुए क्या लग रहा है, बस्तर सीट जो पिछली बार आप लोगों के पास नहीं थी, किस तरीके से उसे विजय पा पाएंगे उसमें? क्योंकि कांग्रेस ने अपने मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक लखमा जी को खड़ा किया है, बोलते हैं बड़े चर्चाएं रहते हैं, अपने भाषणों से बड़ी चर्चाएं बटोरते हैं। नहीं, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है, और बड़ी श्रेष्ठ जनता है छत्तीसगढ़ की। बस्तर में भी हमारे वनांचल क्षेत्र में लोगों को लगता होगा कि न मालूम हम कुछ भी बोल के कुछ भी करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। जनता सब कुछ समझती है, इसलिए तो 5 सालों में ही इनके कारगुजारियों के कारण जनता ने इनको उखाड़ फेंका। देखिए, 5 सालों में कांग्रेस ने जिस तरीके से भय और भ्रष्टाचार का वातावरण बना के रखा था, इतना अत्याचार कि जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। 54 सीटों के साथ प्रत्याशियों को विजयी बनाकर सरकार की स्थापना हुई, जनता का बहुत सहयोग है। जनता चाहती है विकास, ये हंसी मजाक के नारे, ये किसी पर अमर्यादित टिप्पणी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है। जो धरातल पर काम करके दिखाता है, जो जनता के हितों के लिए काम करता है, जनता निश्चित रूप से उसी को चुनती है। और बस्तर लोकसभा आप देखिएगा, हम बड़ी मार्जिन के साथ जीतेंगे। बस्तर वही जगह जहां से धर्मांतरण का मुद्दा बहुत चरम पर रहा है और आप लोगों ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया, क्या लोकसभा में भी वो मुद्दा हावी रहने वाला है? यहाँ के क्या मुद्दे होंगे उसके अलावा? प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास सबका विश्वास, इसके बहुत बड़े मायने हैं। सबको साथ लेकर ही विकास, उनकी जो भी कल्याणकारी योजना है वो किसी जाति विशेष धर्म विशेष के लिए नहीं है। अगर शौचालय बनने का काम है गरीब परिवार में जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, तो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के यहाँ बन रही है। चावल फ्री देने का मामला है तो सभी को प्राप्त हो रहा है, सभी समाज धर्म जाति संप्रदाय के लोगों को प्राप्त हो रहा है। उनकी जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है उसका लाभ भी सभी धर्म जाति संप्रदाय को लेकर सभी को उसके योजना का लाभ मिल रहा है। सामने ही एक घर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास का। तो इस तरीके से जो मामला है वो है डेवलपमेंट, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अपने क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, सड़कों का काम हो अच्छे से, पुल पुलियों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन है, स्कूलों का अच्छा हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो, सभी में तो मोदी जी की योजनाएं काम कर रही हैं। तो इसलिए और सबको सबका लाभ मिल रहा है, तो यही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, ये पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बस्तर से आते हैं, आप भी बस्तर से आते हैं, इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसे कोई चुनौती तो मैं नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर है, किसी की निंदा और उससे दूर रहता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि बस्तर का जो वातावरण है वो चाहते हैं कि केंद्र और राज्य के साथ समन्वय के साथ योजनाएं शीघ्रता शीघ्र उन तक पहुंचे, जो कि पहुंचना जिसका प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी की गारंटी की सारी योजनाएं सिर्फ 90 दिनों में पूरा करके दिखाया उन्होंने, जो महत्वपूर्ण योजना है। और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में और संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, कालाबाजारी हुई है, रेत, कोल, सीमेंट, सभी चीज़ों में तो भ्रष्टाचार हुआ है, सभी चीज़ों में तो आप देखिए कितना उसका मिसयूज हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मजबूत सरकार, उससे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र और राज्य में एक ही सरकार, अब इस मानसिकता के साथ जनता, क्योंकि उन तक विकास बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी बात कहता हूं, वो अध्यक्ष जी कांग्रेस की अपनी बात कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा फोकस यही है कि
कि इस जीत को कैसे, इस सीट को कैसे जीता जाए, इसके अलावा 11 सीट हमारी पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ में कैसे विजय शीर्ष प्राप्त हो, हमारा ध्यान इसी तरफ रहता है। और आप लोगों के इसी लक्ष्य को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने पिछली सरकार के कई पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो राजनांदगांव में लगातार दावा ठोक रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसलिए उतारना पड़ा होगा इनको कि कई जगह तो प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो गया, ऐसा लगता है मुझे। ऐसी क्या बात हो गई जो दूसरी जगह जाके लड़ना पड़ रहा है? एक आध सीट में चलता है, एक आध जगह चलता है, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ पे राजनीतिक समीकरण के हिसाब से। लेकिन चार चार पाँच पाँच लोग वे हैं, उनमें से कई लोग पिछला चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद दूसरी जगह से जाके लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम ये दिग्गजों की श्रेणी में है कि किस श्रेणी में है। बिलासपुर में कैसा विद्रोह हुआ, देखिए कैसा विरोध हुआ, कांग्रेस के लोगों को अनशन में बैठना पड़ा। तो ऐसे कई जगह की स्थिति परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने अपने सीट पे क्यों नहीं लड़ते, अलग अलग जगह जाके लड़ने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई। कि भाजपा में प्रवेश लगातार लोगों का हो रहा है, कांग्रेस से बोलती है कि लोगों को डराया धमकाया जाता है या फिर लालच दिया जाता है, और वही लोग जब भाजपा में शामिल होते हैं तो अपनी पार्टी के लोगों को कोस रहे हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं के और जनता के आशीर्वाद से सरकार में आई है, लेकिन बड़ी संख्या में है जो कांग्रेस के लोग हैं उनका उनके अंदर ही घुटन सा महसूस कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी पेंडेंसी में हजारों नाम है, हम गुण दोष के आधार पर निश्चित रूप से जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और जो लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा के साथ मन भाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को विचारों को आत्मसात करके, हमारे कार्यक्रमों को देखकर और आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रमों का, उनकी जो विकास के काम है या फिर छत्तीसगढ़ में विकास के काम को देख के, जिस तरीके से उन्होंने 90 दिन में ही तेजी से काम, क्योंकि वो बोलते हैं कि 5 साल तो हमारी सरकार ने 1 इंच काम नहीं किया। सम्मान का विषय भी है, राजनांदगांव की घटना सर्वविदित है कि मन के मंच से ही किसी ने कहा कि हम तो 5 साल में आपसे मिलने के लिए तरस गए, ना आप हमसे मिले ना हम आपसे मिले। लोगों को तो सुरक्षा तक की मांग कर रहे हैं कि अब हमको सुरक्षा दिया जाए। तो एक मामला भी कोई आया हो जिसको कि हमने जबरदस्ती बोला हो या उसको किसी डर भय प्रलोभन, हमको क्या आवश्यकता है, हमारी तो सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की याद दिलाता है। नहीं, उनका संदर्भ मुस्लिम लीग का जो उस समय के जो उसकी स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से उनकी तुष्टिकरण की जो सोच थी, उसके आधार पर उन्होंने बात कही। बिल्कुल, अब लगातार दौरे हो रहे हैं। आप अगर हम बात करें भाजपा कार्यकर्ताओं को, खास तौर पे बस्तर इलाके में निशाना बनाया गया और टारगेट यहाँ पर किया गया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या भाजपा के लोग ही क्यों निशाने पर हैं? क्योंकि आप विपक्ष में थे तब भी आरोप लगाते थे, अब भी वैसे ही हो रहा है। नहीं, आरोप कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है आरोप लगाने का, बल्कि हम ये कहते हैं कि इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि पूरा क्षेत्र इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी तो किसी, देर इज़ नो लेफ्ट एंड नो राइट, सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट करना, किसी भी प्रकार का गुनाह नहीं है। तो जनता की मांग के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार, जनता जो चाहती है सरकार में आने के बाद, सरकार का दायित्व है उस काम को करने का, वो काम हम कर रहे हैं। अब इसमें इस तरीके से बड़ा अत्यंत दुख का विषय है, हमारे कई साथी इसमें खो गए हैं, हमारे कई परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, निश्चित रूप से डेवलपमेंट के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इन कार्यक्रमों पर भी बहुत जल्दी विराम लगेगा। तो बस्तर में हम बैठे हैं और देखिए बस्तर का एक कल्चर, आपको सारे जो यहाँ की महिलाएं हैं गोल घेरा बनाकर यहाँ पर खाना खा रही हैं, और किरण देव जी भी यहाँ पहुँचे थे यहाँ पर और रैली से लौट रहे थे। किरण देव जी को आप जानते हो? हाँ, जानते हैं, हमारे मोहल्ला के हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पे कैसा काम कर रही है भाजपा या कैसा काम कर रहे हैं आपके किरण देव? बहुत अच्छा काम हो रहा है सर, बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी बहुत नहीं नहीं जी जी सही बात तो है ना। अब चावल दए से 1000 रुपया पैसा दए से हर महीना, गरीब दुरीब सब
सब काम अच्छा करे कोई काम नहीं बिगड़े से जो कांग्रेस हाथ छा बीतनी वोट दे तिरुनी अमनी माडक चिकल में रेंग तिरु कभी साथ नहीं देते कभी एक रुपया पैसा नहीं मिलते अब काय चीज है संग हर चीज चक्कर से आज पीला जिला का जे पड़ी लिखी हर चीज सब सुविधा से कुछ चीज चुका ही नहीं है कमी नल दिलो लेटरिन बाथरूम दिलो लाइट दिलो कौन दिया है मोदी जी दिए से बीजेपी आया है तब से इंसान के गरीबी दूर हुआ रैली थी पीएम मोदी की हाँ जी अब सुने उसको हाँ सुनी कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा बहुत अच्छा लगा सब यहीं के रहने वाले हाँ हम नहीं जगदलपुर के जगदलपुर के हाँ किरण देव भाजपा के काम को लेकर ये बड़े उत्साहित हैं और इनका कहना है कि काफी कुछ बदलाव इनकी लाइफ में यहाँ पर आया है और काफी जागरूक भी लगती है कुछ और भी लोगों से हम चलिए बात कर लेते हैं बस्तर में महिलाएं यहाँ पर एक रैली से लौट रही हैं और देख रहे हैं कैसे झुंड बनाकर सभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं लौटने के बाद इनसे ही हम बात करते हैं क्या सोचते हैं महिलाएं यहाँ पर क्योंकि बस्तर की महिलाओं को काफी जागरूक माना जाता है कहाँ की रहने वाली है मैं जगदलपुर नैमुना रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड की रहने वाली हूँ मेरा नाम किरण दीवान है यहाँ वोटिंग कब है आपके यहाँ मेरा वोटिंग 19 तारीख 19 अप्रैल को है वोट देने आप लोग जाते हैं जाएंगे और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और ले जाएंगे क्या लगता है कि क्या कैसा नेता चाहिए जो क्या काम कर सके जो नेता हम महिलाओं के लिए बारे में सोचे हमारे समाज के बारे में सोचे जो हमारी संस्कृति और देश के बारे में सोचे हम ऐसे नेता चाहते हैं जो सभी को लेकर चलते हैं उस तरह के नेता चाहते हैं महिलाओं को लेकर आजकल दोनों दल बड़ा बात कर रहे हैं काम कर रहे हैं चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो आप लोग उनकी योजनाएं सुनते हैं क्या लगता है हम सुनते तो हैं और जो जो हमारी भाजपा योजना बताती है वो बोलती है वो करके दिखाती भी है तो हमको इस तरह की सरकार चाहिए आप लोग क्या है मोदी फैन जी मोदी फैन है और हर बार 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 मोदी सरकार ही आए यही चाहते हैं हम सब ऐसा क्या काम किया है मोदी सरकार मोदी सरकार ने महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है अच्छा कहाँ के रहने वाली है जगदलपुर रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड नया मुंडा तो आप लोग भी वोट करेंगे हाँ पिछली बार यहाँ बस्तर से दीपक बैज जी सांसद थे और इस बार कवासी लखमा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर क्या लग रहा है अपने भाषण से जो सबको लुभाते हैं महेश का सेब को लाएंगे तब तो मोदी जी आएंगे जो हमारे जैसे नॉर्मल है जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं महेश का सेब भैया जो आम जनता को भी समझती है जो हमको समझते और वो भी खुद भी निचले हिस्से से वो भी अपनी परिस्थिति को जान चुके हैं तो हमारी परिस्थिति को वो हम समझ सकेंगे इसीलिए हमको उसी तरह का नेता चाहिए तो देखिए यहाँ की महिलाएं हैं बस्तर की ये सारी महिलाएं हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं और इनका अपने वोट को लेकर बड़े जागरूक हैं ये महिलाएं यहाँ पर और 19 तारीख को यहाँ वोटिंग है तो वोट जरूर करेंगी ये सभी महिलाओं का कहना है और बड़ी पिक्चर भी उनके दिमाग में क्लियर है कि किस प्रकार का कैंडिडेट उनको चाहिए जो उनको और उनके परिवार का ध्यान रख सके उनका कहना है ऐसा कैंडिडेट वो चाहते हैं तो लगातार हम प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के साथ हैं लगातार यात्राएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सभा भी थी और सभा के बाद अब कार्यकर्ताओं से मिलते हुए रास्ते में अपने ऑफिस पहुंचे हैं और ऑफिस में हम देख रहे हैं उन्होंने भजिए का ऑर्डर दिया था किरण जी भजिए का ऑर्डर हमारे लिए था आपको पसंद नहीं 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 नॉर्मली यहाँ पे स्टाफ है यार और भी सभी लोग बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ इन लोग बना देते हैं तो आज भजिया बन गया खाने में क्या कुछ खास पसंद करते हैं आप नहीं नहीं सब नॉर्मल सभी तरह के खाना कोई दिक्कत नहीं है जी बस्तरिया खाना या कुछ आप क्योंकि काफी हिस्सा पढ़ाई का बाहर भी आपकी की है सब सब बस्तर का हूँ इसलिए बस्तरिया खाना तो खैर हो गई लेकिन सभी तरीके से जो जैसा देश वैसा वेश कुछ खास आपको पसंद हो नहीं कुछ ऐसा विशेष नहीं खाने पर उतना रुचि नहीं है प्लेयर भी रहे कलाकार भी रहे तो क्या डिसिप्लिन में खाना वगैरह रख सके नहीं वो मैदान में रहा 17 साल करीब क्रिकेट में बस्तर में रह के जितनी दूर तक खेलने आदमी जा सकता था उस समय उतना दूर तक मैंने क्रिकेट खेली है मैदान का अनुशासन भी रहा है सुबह 5 बजे पहुंचना और एक्सरसाइज फिर बाद में बैट और बॉल छूना शाम को 3:30 बजे पहुंचना तो एक डिसिप्लिन रहा है इतना टाइम पर पहुँचना है इतने बजे उठना है तो जीवन का अंग बन गया अभी हम देखते हैं बस्तर में अभी भी क्रिकेट को लेकर बहुत क्रेज है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब महिलाओं को क्रिकेट खेलते यहाँ लालबाग मैदान में मैं देख रहा था क्या लग रहा है कि नई जनरेशन भी यहाँ से निकल रही है अच्छी खेल में नहीं अच्छा है छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया छत्तीसगढ़ रणजी हो गया
हमारे समय तो हम इंटर स्कूल खेलते थे, फिर इंटर स्टेट खेलने जाते थे, फिर डिवीजन खेलते थे, डिवीजन के बाद फिर स्टेट खेल के फिर जाके नेशनल खेलने जाना पड़ता था। अब तो डायरेक्ट बच्चे रणजी खेल रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, आधुनिकता भी आई है क्रिकेट में। बैट्समैन थे, बॉलर थे, ऑलराउंडर था मैं, फास्ट गेंद करता था, ओपनिंग बॉलर था और सेकेंड डाउन बैट्समैन था मैं। लगातार जो हम देख रहे हैं प्रचार आप कर रहे हैं, क्या रूटीन होता है अभी? जैसे आप शाम को नाश्ता कर रहे हैं, फिर आगे क्या आपका कार्यक्रम होगा, क्या प्लानिंग है, रात को कब तक रहते हैं? कोई टाइमिंग नहीं है, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम था तो दो दिन से उसी में लगे थे पूरी तरीके से, तीन। और हमारे प्रभारी जी का भी आगमन हुआ था, आदरणीय हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय पवन साय जी लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं का आना हुआ था, बैठकों का क्रम जारी था। बीच में एक लंबा समय गुजरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं में, कार्यकर्ता सम्मेलनों में लगातार जाना हो रहा है। अब कुछ दिन बस्तर में, अलग अलग जिलों में जाना, बैठना, कार्यक्रमों में जाना, जैसा जैसा जिले वाले कार्यक्रम बनाते जाएंगे वैसा उसमें जाना रहेगा। तो दिन भर आज हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साथ गुजारा, कैसी उनकी चुनावी सभाएं रही, क्या व्यस्तताएं रहती हैं, और इन व्यस्तताओं के बीच लगातार हमने उनके चुनावी दौरे को कवर किया, क्या रणनीति है, किस तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, तमाम मसलों पर उन्होंने हमसे खुलकर भी बातचीत की। तो आज हमारा जो चुनावी सफर है वो हम यही खत्म कर रहे हैं किरण देव के साथ। बहुत सारे अहम मसलों पर उनसे चर्चा हुई है और इस चर्चा के साथ ही आज हमारा जो दिन भर का कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर किसी के साथ चुनावी सफर पर निकलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, बस्तर।